अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है, मैं एक आर्डियोलॉजिस्ट हूँ। आर्डियोलॉजिस्ट मेरे समाज गुफ्तार और बहरापन होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ABR, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाई द स्टिमुलस जनरेटेड बाई द ब्रेन स्टेम इन रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडिटरी स्टिमुलस थ्रू हेडफोन और इंसर्ट फोन। ऐसे बच्चे जो प्योर टून प्ले ऑडियोमेट्री या सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे प्ले ऑडियोमेट्री हो गया, ऑडियोमेट्री हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशनल ऑडियोमेट्री हो गई, और जो टेस्ट जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं उनमें वो कॉपरेट नहीं करते, तो फिर हम उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री या बैरा टेस्ट करते हैं। अमूमन जो इस तरह के बच्चे होते हैं, सबसे पहले हम उनको सेडेट करते हैं। सेडेट के बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर में ये होता है कि सबसे पहले हम उसकी जो स्किन है उसको क्लीन करते हैं। हम साफ जेल होता है, उसके ज़रिए फोरहेड और फेस और मस्टाइड वाली जो जगह है कान के पीछे, उसको हम जेल से उस जेल के साथ अच्छी तरह क्लीन करते हैं। और उस जेल से ये है कि जो इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं वो अच्छी तरह उनकी कंडक्शन होती है। अमूमन जो रेड इलेक्ट्रोड होता है वो हम राइट साइड की मस्टाइड पे लगाते हैं, और जो ब्लू इलेक्ट्रोड होता है वो हम लेफ़्ट साइड की मस्टाइड पे लगाते हैं, और जो वाइट इलेक्ट्रोड होता है हम उसको फोरहेड की अपर साइड पे लगाते हैं, और ब्लू ब्लैक जो है उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं फोरहेड के निचली साइड पे, या फिर हम फेस पे भी लगा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होती है। और इसके बाद हम हेडफोन जो है ना वो उसको प्रॉपर एडजस्ट करते हैं। हेडफोन को इस तरह लगाया जाता है कि रेड फॉर राइट होता है, ब्लू फॉर लेफ्ट होता है। अगर तो इंसर्ट फोन है वो भी उसी तरह इंसर्ट किए जाते हैं, रेड फॉर राइट, ब्लू फॉर लेफ्ट। तो फिर हम इंटेंसिटी सेलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो हमारे पास कंप्यूटर है या जो लैपटॉप है उससे हम इंटेंसिटी सेलेक्ट करते हैं। इंटेंसिटी सेलेक्ट करने के लिए हम जो पहले हिस्ट्री लेते हैं उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का कितना लॉस हो सकता है, उस हिसाब से हम इंटेंसिटी सेलेक्ट करते हैं। इंटेंसिटी सेलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हेडफोन या इंसर्ट फोन से स्टिमुलस जाता है, और वो स्टिमुलस की जो रिकॉर्डिंग है ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स की, जो हमें रिकॉर्डिंग आती हैं वो हम इलेक्ट्रोड से हासिल करते हैं। इस तरह जो इलेक्ट्रोड से हमें रिस्पॉन्स हासिल होता है वो एक वेव फार्म की शक्ल में होता है। ये वेव फार्म जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ ABR भी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ ABR जो है ये 7 वेव्स से होती है। ये 7 वेव जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, पाथवे हैं ब्रेन स्टेम का, उससे हासिल होती हैं, यानी कि 8th नर्व, कोक्लियर न्यूक्लियस, ओलिवेरी कम्प्लेक्स, लेटरल मेनिस्कस, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये सारा जो पाथवे है इससे जो हमें रिस्पॉन्स आता है, जो हमें वेव्स आती हैं वो डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। इन सब में जो सबसे अमूमन नज़र आती हैं वो वेव 3 और वेव 5 नज़र आती हैं, लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे ईजिली डिटेक्टेड और आसानी से जिसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो वेव ये नज़र आने वाली जो वेव है, वेव की जो मॉर्फोलॉजी है, ये है सिर्फ हमें बुक्स में जो हम पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें नज़र आती है, और जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसमें इस तरह की वेव नज़र नहीं आती। उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट होती हैं वेव्स होती हैं वो वेव 3 और वेव 5 होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें जो नज़र आती है वो वेव 5 होती है। वेव 5 की जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें इस तरह नज़र आती है, जैसे अभी आपको नज़र आ रही है। इसमें जो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, डिफरेंट पेशेंट्स, सेवेरिटी ऑफ हेयरिंग लॉस, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो शेप है, जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ जो है वेव 5 है, इसका वेव 5 को डिटेक्ट करना एक आर्डियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि वो किस तरह इस वेव 5 को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, या मशीन में कैलिब्रेशन एरर्स भी हो सकते हैं, या और भी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं। इसको सारी चीज़ों, ये नॉइज़ी इन्वायरमेंट हो, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वेव 5 को सही तौर पर डिटेक्ट करना एक आर्डियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मॉर्फोलॉजी के बाद आती है लेटेंसी ऑफ वेव 5। लेटेंसी जो है ये टाइमिंग ऑफ वेव 5 होती है। अमूमन ये 7 से 9 मिली सेकेंड तक होती है, लेकिन ये हतमी नहीं होती, इसमें भी चेंजेस आ सकती हैं।
उसी तरह जैसे टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, सेवेरिटी ऑफ हेयरिंग लॉस डिफरेंट पेशेंट्स उनको देखते हुए ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेटेंसी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है उसमें ये लेटेंसी अमूमन डिले होती है, इसलिए कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में वेव फाइव को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। तो लेटेंसी के बाद हमें जो चीज़ डाइबियर में देखते हैं वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फाइव। एम्पलीट्यूड जो है जो पीक हमें हासिल होती है वेव फाइव की उससे मिलता है। अमूमन ट्रफ जो है जो हमें मिलता है वो 10 मिलीसेकंड तक हम नोट करते हैं। 10 मिलीसेकंड पे जो ट्रफ हमें हासिल होता है उसकी जो अमूमन होती है वो 0.5 to 1 माइक्रोवोल्ट तक हो सकती है, लेकिन कुछ मुल्कों में 0.4 को भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो लेटेंसी शिफ्ट, यानी कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है लेटेंसी। जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो जो लेटेंसी है वो कम होती जाती है और जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाता है। अमूमन जब लो इंटेंसिटी होती है तो एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल कम होता है और लेटेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जैसे अगर 70 पे रिस्पांस है तो वो जो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, उसकी जो लेटेंसी है वो कम होगी, और जब हम नीचे की तरफ आते जाएंगे और जो नीचे पे रिस्पांस होंगे यानी कि 50 पे या 40 पे या 30 पे तो उसमें जो इंटेंसिटी कम होने से जो उसकी लेटेंसी है वो बढ़ जाती है और उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इसी तरह जब हम 70 से अबव अगर देखते हैं तो उसमें लेटेंसी जो है वो कम होती जाएगी और एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो ये जो है इस तरह की चीज़ें जो है ना एक अच्छे एबीआर रिकॉर्डिंग में हमें देखी जा सकती हैं। हम देख सकते हैं कि ये अच्छा एबीआर जो है इसके जो रिज़ल्ट हैं या जो हमने टेस्ट किया है वो ठीक है, प्रॉपर टेस्ट हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अमूमन गुड एबीआर जो है उसमें जो बेहतर रिज़ल्ट के लिए मिनिमम नॉइस हो, यानी कि बिल्कुल साइलेंट रूम हो या नॉइस बिल्कुल ना हो, अच्छी तरह बच्चा प्रिपेयर हो और इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक हो और बच्चा बिल्कुल सीडेट में हो ताकि हमें गुड रिस्पांस हासिल हो सके, और इलेक्ट्रोड की जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए। इतनी कम होगी और जो इम्पीडेंस है अगर एबीआर के अच्छे रिज़ल्ट के लिए, ठीक रिज़ल्ट के लिए ये सारी चीज़ें ठीक होना ज़रूरी है। इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रॉपर प्रिपेयर चाइल्ड का, सेडेशन होना, साइलेंट रूम और